महंगाई के तूफान से भागने के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। तो बात। एक तरफ IMF है और दूसरी तरफ महंगाई में दबे बेचारे आवाम है। अब ऐसे कैसे वक्त गुजरेगा आपका फिजा खलीफा जी? वक्त गुजारते चले जाओ। हमारे मोदी जी ने इनकी कस दी अब चूड़िया, और चूड़िया कसने के बाद में फिजा खलीफा जी आपकी क्या कंडीशन है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। IMF के आगे घुटने भी टेक दिए गए। अब IMF वाले तो साफ कह रहे हैं जी कि हमें तो आपके वादों पर कोई एतबार नहीं है, कोई एतमाद नहीं है। ओहो, बड़ा तकलीफ का समय फिजा खलीफा जी। अब IMF बोल क्या रहा है, IMF चाहता क्या है, क्या करवाना चाहता है IMF? अगर अगला प्रोग्राम चाहिए तो सारी पार्टियां एक साथ मिलकर जमानत दे दें। लेकिन आप लोग तो मानोगे नहीं। IMF ने आपके PM शाहबाज शरीफ की नाकों से लकीरें खिंचवा दी। IMF ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाई। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पाकिस्तान में महंगाई चरम सीमा को पार कर गई है और अभी एक और फूटा पाकिस्तानियों के ऊपर पेट्रोल बम। मैं कहता हूँ अब जीना मुश्किल हो जाएगा। हम हो सकता है ये बाइक सेल कर दें। कुछ नहीं कर सकते, मर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हम तो रोने वाले हुए भाई। मुल्क पे फिर बहुत बड़ा बम गिरा दिया इन लोगों ने। जब हम लोग इस तरह ही बेजुबान बन के बैठे रहेंगे तो सब कुछ ये भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये जज्बे वाली कौम है और जितने भी अजाब नाजिल हो रहे हैं वो इन सब पाकिस्तानियों पे हो रहे हैं। जब हम लोग इस तरह ही बेजुबान बन के बैठे रहेंगे तो सब कुछ ये भुगतना पड़ेगा। कौन बंदा बाहर निकल रहा है, कोई निकल रहा है? बुजदिल कौन है, बुजदिल। ऐसे में पाकिस्तान की आवाम सीरियसली अगर देखा जाए तो काफी दुखी हो चुकी है, क्योंकि एक साल पहले तक जो पेट्रोल 120 रुपए लीटर मिल रहा था वो आज 270 रुपए चला गया, तो दुखी होना तो बनता है। सही बात है। तो चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं जज्बे वाली कौम का क्या हाल है। अरे क्या करते हैं? मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है जो कि अभी डंप हुआ है। बिल्कुल जाहरी बात है, LCs अभी जब चलेंगी रुकी पड़ी हैं, अभी तो बंद पड़ी हैं, तो फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी होगा। बिल्कुल। ये बताएं फ्यूल क्यों बढ़ जाता है? पहले 15 दिन पहले 35 रुपए बढ़ा, आज फिर 23 रुपए बढ़ गया। बताया ही जाता है इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया बिल्कुल साथ है, 15 दिन पहले 20 दिन पहले वहाँ पे फ्यूल की प्राइस कम हुई है। ऑलरेडी 106 106 रुपए लीटर मिल रहा था, अब ऑलमोस्ट 96 97 रुपए लीटर उधर मिल रहा है। असल में भाई जान, ये जो इंटरनेशनल की कहानी है ना, ये हमारे पाकिस्तान पे फिट होती है। आप दूसरे मालक में जाके देखें, पेट्रोल ही नहीं, खाने पीने की अशिया कम से कम उनके रेट हैं। है। ये पाकिस्तान ही है जहाँ पे पेट्रोल का रेट दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, ऑयल का रेट ऊपर जा रहा है। 120 रुपए का ऑयल का पैकेट मिलता था जो कि अभी 850 का मिल रहा है, ठीक है ना? 800 रुपए का एक लीटर जी, बिल्कुल बड़े वसूख से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके अलावा आप देख लें, हर चीज को आग लगी हुई है इस टाइम पेट्रोल। अच्छा, मैं बड़ी मजे का ना सवाल पूछ रहा हूँ, कुछ लोगों को ये थोड़ा चुभेगा लेकिन एक ऑथेंटिक सवाल है, आप आंसर करना चाहें करें, नहीं तो ना करें। जी, जी, कश्मीर के लिए हम निकलते हैं, फलस्तीन के लिए हम निकलते हैं, बर्मा के लिए निकलते हैं, वो भी सिर्फ नारे के तौर पे। वैसे हम क्या उनका कर सकते हैं, अपने लिए क्यों नहीं निकलते? वो भी सारा टोपी ड्रामा है, ठीक है। बातों में हम बैनर बनवा लेते हैं, तस्वीरें लगा लेते हैं, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट। इंशाल्लाह MP है, इंशाल्लाह MN है, इंशाल्लाह कश्मीर बने, वो कभी नहीं बनना, ठीक है। मगर क्यों? वो इसलिए नहीं बनना क्योंकि सारी अंदर मुनाफकत है, ठीक है। ये टोटली मोनोपोली है, मुनाफकत है, ये सारी ड्रामेगिरी है, ठीक है ना। ये पाकिस्तानी बंदा काफी समझदार है, इसको समझ में आ गया है कि कश्मीर कभी भी पाकिस्तान को नहीं मिल सकता। जब तक पूरे पाकिस्तानी इतने समझदार नहीं हो जाते, जब तक हम नहीं रोकने वाले। और नहीं तो क्या, ठीक है ना। आना भी चाहेंगे इधर इधर उधर, उन्हें फ्यूल मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है 100 रुपए लीटर ऑलमोस्ट। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मैं इतना ये नारा सुनता आ रहा हूँ, बना तो नहीं आज तक। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कोई भी अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, दूसरों का ये क्या करेंगे? इधर पेट्रोल इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है, तो उन्होंने दूसरों का क्या करना? ये जो चीज आपको चीज का अगर लेट्स सपोज थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि ये सारा ड्रामा चल रहा है, आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये पब्लिक को क्यों नहीं पता चलता? मतलब पब्लिक को बताया नहीं जाता या पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है? असल में पब्लिक को ना अपनी डाल दी गई है, ठीक है ना, पब्लिक को अपनी डाल दी गई है। वो बेचारे जो बंदा 1000 रुपए दिहाड़ी आज कमाता है ना, वो ऑयल ले गया था ना 750 का, वो सोच में पड़ जाता है मैंने आटा किधर से लाना है। जब वो आटा लाता है वो सोच में पड़ जाता है मैंने बच्चे की फीस कहाँ से देनी है। एक गली में 10 घर है ना, आप उसको कंपैरेटिवली ये देख लें कि उन 10 घरों में सरकारी मुलाजम कितने हैं, एक सरकारी मुलाजम होगा, और 20-20 हज़ार से ऊपर जो है ना बिजली के बिल आ रहे हैं।
ठीक है, लिहाजा कोई मुलाजम होगा। अभी तो 2-3 साल हो गए हैं, कोई ऐसा सरकारी नौकरियां नहीं आ रही, बजट अनाउंस नहीं कर रहे वो सरकारी नौकरियों के लिहाज से, ऐसा जैसे पहले आती थी वो भी कम हो गए हैं। बिल्कुल है, पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है इससे। 30,000 रुपए के जूते, आटा कितना महंगा होया पे, घ्यो कितना महंगा, 500-600-700 रुपया बचा के लियाने, कोई शायद समझ नहीं आती, भुखे मारने पैसा, एक फेरा दो फेरे ला के फिर कितने जाके हाथ पला सीधा होता है। माड़े बंदे क्या करेंगे, सवारी किराया नहीं पूरा देती है, मजदूर बंदे जलील हो गए और क्या। मैं कहता हूँ अब जीना मुश्किल हो जाएगा, अब देखिए यूनिवर्सिटी जाना है, कॉलेज जाना है, किसी काम पर जाना है, तो सैलरी तो वही है, जो एक्सपेंस है वो डबल ट्रिपल हो जाएंगे। खुदारा हमारा जो वजीर खजाना साहब डर है, वो खुदारा आवाम का सोचे और ये जो इजाफा है वो वापस ले। क्या आपको आगे कोई बेहतरी नजर आ रही है, कोई फ्यूचर नजर आ रहा है? देखें इंडिया की 1 अरब 40 करोड़ आबादी है ऑलमोस्ट, ठीक है, मैनेज भी कर रहे हैं, फ्यूल की प्राइस हो या फूड की प्राइस हो कंट्रोल भी कर रहे हैं, और हमारी 22 करोड़ आबादी है हम नहीं संभाल पा रहे। भाईजन बात ये है कि आप ये देखें, अफगानिस्तान से पठान आता था इधर हमारी जूती पॉलिश करता था, वो छली बूनता था, आज वही पठान वो डॉलर को हिट ठुड्डा मारता है और वहाँ पे डॉलर की कोई वैल्यू नहीं, हम डॉलर के पिट्ठू बने हुए हैं यहाँ पे। बांग्लादेश की भी बात कर लें, जिसे हम दो इंडियन आता था लोहे की मिलों में, पाकिस्तान में काम करता था। मैंने काफी सर्च किया, बादामी बाग के अंदर आयरन और स्टील फैक्ट्रियां तो है लेकिन कोई इंडियन वहाँ पे काम करता था, लेकिन इसके बारे में कुछ मिला नहीं। इंडिया वाले बादामी बाग में लोहे की मिलों में काम करते थे। कब की बात है, कौन से साल की? ये ज्यादा नहीं, आज से 8 साल पीछे चले जाए। जी बिल्कुल, चल झूठा, आज वो इंडिया वाले, उनकी करेंसी आई है, हमसे वो आगे चले गए हैं, बांग्लादेश आगे जुड़े, ठीक है, इस्लामाबाद का सारा ताजर चले गए हैं। इधर ऐसी पेट्रोल और रशिया महंगी होगी तो इधर किसने काम करना है, ठीक है, इधर किसी का दिल नहीं कर रहा कि कोई काम है। मैं भी बिजनेस मैन हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पैसे ना हो इन्वेस्ट, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सेलें देख के खुश होता हूँ, मैं ये चाहता हूँ मेरे पैसे जहाँ तक बच सके मैं उनको बचा लूँ। क्यों आगे बिजनेस नहीं पाकिस्तान में करना? नहीं, बिजनेस की कोई तवक्को ही नहीं अब कर रहा, बिजनेस हम क्या करें? आप बिजनेसमैन कह रहे हैं कि हम नहीं बिजनेस करना। सर जिस मुल्क का ये हाल है कि मैं 5700 में 50 kg का चावल का बैग घर में लाता हूँ और जब वो ख़त्म हो जाता है मैं दोबारा लेने जाता हूँ, दुकानदार कहता है जी 15,000 का। अब 700 यानी तकरीबन 6,000 से सीधा 15,000। अब ये बताएं वहाँ पे क्या हम कर सकते हैं, ठीक है, हमें यही नहीं पता कि जो हमारे घर का राशन खत्म हो गया है वो 2-3 माह में हमने लेने जाना है, उसका रेट क्या हो गया, ठीक है ना। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए, टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। इंडिया की बात करें, 1 अरब 40 करोड़ के करीब आबादी है, कैसे उन्होंने मैनेज किया है, प्राइस को भी कंट्रोल किया हुआ है और डेवलपमेंट में भी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इकॉनमी भी बेहतर हो रही है, हमारे से 22 करोड़ नहीं संभाला जा रहा। उसकी वजह यह है कि हम दीन से दूर हो गए हैं, एक्चुअल हमें पांचवें लेवल का मुसलमान बना दिया गया है, पांचवें दर्जे का, क्योंकि हम अगर सही मुसलमान बनेंगे तो ये मुश्किल आनी जानी चीज़ें इस पर कोई मुश्किल नहीं है और इस पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। आप देखें हम वो तो बड़ी ऐसे देखें, मैं एक क्वेश्चन है ना, बहुत ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें इस्लामिक निज़ाम नहीं है, इस्लामिक सिस्टम नहीं है, गवर्नमेंट इस्लाम की नहीं है, मुसलमान नहीं है, लेकिन वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। उसकी वजह कुछ उन्होंने कुछ हमारी चीज़ें उठाई हैं, उसने उन्होंने जो हमारे कुरान पाक या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है और जो अल्लाह ताला की हदायत है वो उस पर उन्होंने अमल किया है। हालांकि उन्होंने अमल कर लिया, हम जो उनसे मजहब के भी ठेकेदार, इस्लाम के भी ठेकेदार, लेकिन अमल नहीं करना। ये देखो यही तो हमारी बदनसीबी है। चाचा की एक बात मुझे बिल्कुल सही नहीं लगी, इन्होंने कहा कि जो गैर इस्लामी मुल्क है वो हमारी इस्लाम की शिक्षाओं पे चल रहे हैं इसलिए तरक्की कर रहे हैं, ये कौन सा लॉजिक है? पता नहीं, इतनी उम्र हो गई चाचा आपकी और इतनी बेहुदा बात, माफ करना मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये हर चीज के अंदर इस्लाम को घुसेड़ देते हैं, चाहे वो वहाँ फिट होता हो या नहीं होता। सही बात है यार, ये कौम कभी थी भी नहीं ना कभी बनेगी। yes. तो वीडियो आपने पूरा देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपके जो भी विचार हो वो कमेंट सेक्शन के अंदर उतार दीजिए भैया, और लाइक टारगेट रखते हैं 12,000, इतने तो करवाई देना और नहीं तो क्या। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।